ओम शांति। 3 जनवरी के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। पहला प्रश्न, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? उत्तर, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है, पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है, इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता है। दूसरा प्रश्न, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, वह बहुत निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। आज का गीत है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना कि दो दुनिया हैं, एक पाप की दुनिया एक पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं है। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के न रहे, दुख में ही हे प्रभु हे ईश्वर कह पुकारते हैं। परंतु वंडर है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचता को जानते नहीं। कह देते हैं सर्वव्यापी है, कछ मच में परमात्मा है, ये तो परमात्मा की ग्लानी करते हैं, बाप को कितना डिफेम करते हैं। इसलिए भगवान उवाच है, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानी करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं तब मैं आता हूँ। ड्रामानुसार बच्चे कहते हैं इस पाठ में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता हूँ। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा? बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा? भले इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है महल है एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं, कितना दुख होता है। उन्हों को ये पता नहीं कि सत्युग में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, दुख की बात नहीं, वहाँ आयु भी बड़ी रहती है, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ क्या होता है ये भी कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि हैं, मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि बनाते हैं, भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है,
ये है सत्य नारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़े ही है। तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं, आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? बोलो, नर से नारायण बनना ये है हमारा उद्देश्य। परंतु ये कोई संस्था नहीं है, ये तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे तुम माता पिता। हे माता पिता, जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जिसको आधा कल्प याद किया है। हे भगवान, आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। ये बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी रहती है। यहाँ हैं भोगी, अचानक मरते रहते हैं। वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ रहता है। आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो यह नॉलेज बाप ही बैठकर देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते हैं, ये रास्ते हैं ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। तुम तो कहते थे, हे अंधों की लाठी प्रभु, आओ हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो। तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुख नहीं देते, ये तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते। बाप कहते हैं, मैं थोड़े ही किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ, ये तो हर एक का अपना पार्ट है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ, वहाँ अकाले मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं। मैं तुमको सुख धाम ले चलता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो बाबा, हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्य को ये पता नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं। वास्तव में है पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप आकर ऊंच से ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंच से ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही हैं। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं, अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। अभी ये पुराना छीछी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सतयुग में फल दिया था। बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, अनाज आदि मिलता ही नहीं। वे समझते हैं, हम ये करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे? फैमिन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होंगी, रक्त की नदियां बहेंगी। यह वही महाभारत लड़ाई है। अब बाप कहते हैं, तुम अपना वर्षा पा लो, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। माया रावण श्राप देती है, नर्क का वर्षा देती है, ये भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं, ड्रामानुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। यह भारत शिवालय था, अभी वैश्यालय है।
विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं तो ये खुशी रहनी चाहिए ना। हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। हमारी बिरादरी तो बड़े ते बड़ी है, जिससे और बिरादरियाँ निकलती हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, ये समझते नहीं हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकेंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंश की बिरादरी, ये सारे झाड़ का राज और कोई समझा न सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, टाल टालियां कितनी हैं। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। ये पढ़ाई है, ये तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। वे बायोस्कोप ड्रामा आदि निकले हैं तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं, मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है। वह सब है हद के, ये है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पॉम्प बहुत है। मनुष्य समझते हैं अभी तो स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़े ही इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी तो कितना अपोजिशन है। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। ये है सब माया का पॉम्प, इसका फॉल होना है। कितनी जबरदस्त माया है, तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। बाप है ही गरीब निवास, साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब बेचारे नरक में हैं। तो अब नरक वासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे, साहूकार तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग नरक यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है, भारत ही कितना साहूकार था। एक ही अनादि सनातन धर्म था, अभी भी कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते हैं। कहते हैं इतने वर्षों की पुरानी चीज है, हड्डियां निकालते हैं, कहते हैं इतने लाखों वर्ष की हैं। अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती, उनका फिर दाम भी कितना रखते हैं। बाप समझाते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, इनमें प्रवेश कर आता हूँ। यह ब्रह्मा साकारी है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। वह अव्यक्त यह व्यक्त। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। जो नंबर वन पावन वह फिर नंबर वन पतित, मैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको ही फिर नंबर वन पावन बनना है। ये अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, फलाना हूँ। बाप भी समझते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूँ। अब बाप बच्चों को समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया, अब वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान तोड़ो, सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई तकलीफ नहीं है। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, पढ़ाने वाला बाप कितना निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो।
सोने हीरों का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए खातिरी करते हो। ये सब राज समझाया है। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर वैभिचारी होती है। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हैं। गंगा के कंठे पर देखो शिवो हम कह बैठ जाते हैं। माताएं जाकर दूध चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। इस दादा ने खुद भी किया है। पुजारी नंबर वन बना है ना, वंडर है ना। बाप कहते हैं ये वंडरफुल दुनिया है, कैसे स्वर्ग बनता है कैसे नरक बनता है, सब राज बच्चों को समझाते रहते हैं। ये ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, वह है फिलॉसफी के शास्त्र। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के व तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे ना सके। और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसको मिल ना सके। जब तक ब्राह्मण न बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, माया का बहुत बड़ा पॉम्प है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हों कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। दूसरी पॉइंट, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। वरदान, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। स्पष्टीकरण, काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की, तीसरी है संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में हद की कामना का भाव। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन यह अच्छा लगता है, यह भी काम विकार का अंश है। जब यह सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। स्लोगन, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। ओम शांति। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, कोई भी कर्म करते सदैव यही स्मृति रहे कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है, और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। फिर जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो तो कर्मयोगी फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति।